इस बीच सुकमा जिले में 7 महिला विद्रोहियों सहित 22 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने डब्बा कोंटा क्षेत्र में पुलिस और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने हथियार डाले। पुलिस के अनुसार चिंता गुफा और भेजी क्षेत्र में सक्रिय ये माओवादी कथित रूप से विभिन्न माओवादी घटनाओं में शामिल थे। इस संबंध में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग में दूरदर्शन के साथ बातचीत करते हुए कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को शासन की पुनर्वास नीति के तहत सहायता राशि और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। छत्तीसगढ़ सरकार में नक्सली अभियान के तहत अलग अलग रणनीति अपनाई जाती है, जिसके कारण लोन बराटू एक हमारा अभियान है घर वापसी का, उस अभियान से और नक्सलियों को जो उनको सहायता देते हैं, सुविधाएं देते हैं, उस अभियान से जुड़ करके काफ़ी लोग करते हैं। अभी भी 22 नक्सली सुकमा में आत्मसमर्पण किए हैं और हमारे अधिकारियों को भी बधाई देता हूँ। गौरतलब है कि इन माओवादियों ने छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति के तहत विश्वास विकास और सुरक्षा की भावना तथा सुकमा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान नई सुबह नई शुरुआत से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया है।